मैं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में पुनर्जन्म बोल सकते हैं, मौसी मैत्यू दयाबाई बन गई यहीं का। लेकिन अब फिलहाल कुछ सालों से पूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश से छोड़े नहीं है, तो भी केरल में कासरगोड जिला में एंडोसल्फान पीड़ित लोगों के लिए अचानक किसी बुलाने से जाने को भाग्य मिला। उसी समय से मेरा पूरा ध्यान उन्हीं में है, क्योंकि सरकार बहुत मर्सलेसली ये जगह में 20 साल तक हेलीकॉप्टर से एंडोसल्फान छिड़काने से वहाँ करीब 10,000 के ऊपर बच्चे मैं बोलती, लेकिन 0 से 30 साल तक के भी लोग बच्चे जैसे पड़े रहते हैं माँ की गोद में, और एक ह्यूमन लाइफ ही नहीं है, उनको बाहर जाने को नहीं बनता है, एक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, हर तरीके से हैंडीकैप। लेकिन सिर्फ ही सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड जिला है कासरगोड। केरल में हर जिला में मेडिकल कॉलेज है, कासरगोड में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स दैट नीड्स डायग्नोसिस और इलाज दोनों, स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ लोगों को लेके उनके सामने इनकी स्थिति प्रेजेंट करें, मोदी बिगड़ जाए और यहाँ के लिए कुछ करे, ये सोचती हूँ, और मुझे आशा है कुछ तो हो जाएगा। भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मेरे लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। अभी मेरी जिंदगी में मेरे लिए गाइडिंग लाइट है, जो भी मैं कर रही हूँ इसी के ताकत में, इसी के आशा में, विशेष करके प्रियाम्बल के उसमें सब कुछ बताया जो हम चाहते हैं। हर व्यक्ति को जीने को, इज्जत से जीने को एक अधिकार, और वो लेके जो भी मैं कर रही हूँ उसी को लेके ही कर रही हूँ।